तो प्यारे बच्चों, देखिए बच्चों, एनुअल असेसमेंट्स की आपको वर्कशीट्स रेगुलर दी जा रही है और आप सभी सॉल्व भी कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी वर्कशीट सॉल्व करने में। तो बच्चों देखिए, आज आपको मैं सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट के बारे में बता रही हूँ कि क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास फर्स्ट की मैं यहाँ बात करती हूँ, तो बच्चों आप सभी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए ताकि आपको अपनी वर्कशीट सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एमसीक्यूज़। बच्चों आपको करेक्ट आंसर चूज़ करने हैं यहाँ से। देखिए बच्चों, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों पानी में चलने वाला कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे? आप पिक्चर देख के और आइडेंटिफाई कीजिए। बोट, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस और रिक्शा। फॉर हाउ मैनी सेकेंड शुड बी वॉश आवर हैंड्स। बच्चों हमें हमारे हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड और 5 सेकेंड। विच गेम इज़ प्लेड एट होम। बच्चों घर पे कौन सा गेम खेला जाता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कैरम बोर्ड। इन विच सिटी इज़ द रेड फोर्ट सिचुएटेड एट। बच्चों रेड फोर्ट कौन सी सिटी में है? आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द ऑब्जेक्ट फाउंड इन द क्लासरूम। बच्चों क्लासरूम में कौन सा ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है? रेफ्रिजरेटर, गैस, स्कूल बैग और बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेट ट्रू और फॉल्स। बच्चों आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है? तो यहाँ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पिजन इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बच्चों जो इंडिया का नेशनल बर्ड है वो पिजन है, ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट। सुबह जल्दी उठना मॉर्निंग में क्या ये अच्छी आदत है? रावण इज़ बर्न ऑन होली। बच्चों होली पे रावण को जलाया जाता है। स्टूडेंट सिट ऑन डेस्क इन द क्लासरूम। क्या बच्चों डेस्क पे बैठते हैं बच्चों क्लासरूम के अंदर? बनाना इज़ रेड इन कलर। बच्चों बनाना रेड कलर का होता है, तो आप सभी को यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ अ हाउस बिल्ड ऑन वाटर कॉल्ड। बच्चों जो पानी के ऊपर घर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विच डे कम्स आफ्टर मंडे। मंडे के बाद कौन सा डे आता है? विच नंबर इज़ डायल्ड टू कॉल फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए कौन सा नंबर डायल किया जाता है? नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल का यहाँ आपको नाम लिखना है। व्हाट इज़ योर नेम। आप सभी अपना नाम यहाँ लिखेंगे। पिक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर ऑन द फैमिली ट्री ब्लो। बच्चों आप सभी को अपने फैमिली मेंबर्स के यहाँ पे नाम लिखने हैं जो ये आपको स्पेस दिया गया है इसमें, ठीक है? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द नेम ऑफ मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ देखिए, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, शिप एंड स्कूल बस। बच्चों ये कौन से मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से हैं आप सभी को यहाँ पे लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं आप सभी को बताने हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राइट योर गुड हैबिट्स एनी टू। बच्चों किसी दो गुड हैबिट को आपको यहाँ पे लिखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ राइट एनी फोर नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। बच्चों इंडिया के कौन से फोर नेशनल सिंबल्स हैं उन्हें आप यहाँ पे नेम लिखने हैं, ठीक है बच्चों? आप सभी को समझ में आया? बच्चों आप देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।